हेलो दोस्तों, अभी मी टीवी में रिसेंटली अपडेट आया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो आया है उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो स्टोर मोड है। तो बेसिकली अगर आपको यूज़ करना है तो वो एक एडवर्टाइजमेंट ही है कंपनी का, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको कैसे आप यूज़ करोगे उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने टीवी को अपडेट कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आया हो तो उसको आप जब कर लोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप जब जाओगे सेटिंग के अंदर में, तो यहाँ पर आप जाओ डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर में, फिर आप स्क्रॉल करके जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टीवी मोड का, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर मोड का, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपसे कुछ एस नो करने के लिए बोलेगा, आप इसको एस करिए, ओके करिए। तो अभी क्या हुआ, ये स्टोर मोड पे हो गया। अभी इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने टीवी को एक बार रिस्टार्ट करिए। तो रिस्टार्ट करने के लिए पावर की को रिमोट के जरिए लॉन्ग प्रेस कर रखिए, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिस्टार्ट। आप इसको रिस्टार्ट कर लीजिए अपने टीवी को। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है और कैसे ये जो फीचर है ये काम करेगा आपके टीवी में। अभी दोस्तों आप देख सकते हो मेरा अपना सेटअप बॉक्स से मैंने अपने टीवी को कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है, जब से सबसे पहले मिल रहा है इंडियाज नंबर वन स्मार्ट टीवी ब्रांड, उसके बाद में एंड्रॉयड टीवी है आपका, HD है, अल्ट्रा ब्राइट HD डिस्प्ले, इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह दिख रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ आपको स्टूडियो ऑडियो दिख रहा है, पैच वाल, फिर यहाँ पर GPU की इनके कुछ परफॉर्मेंस वगैरह दिख रही है, ब्लूटूथ वॉइस रिमोट है। तो ये बेसिकली टीवी का एडवर्टाइजमेंट है और बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पर अगर आप ऑन करोगे अपना सेटअप बॉक्स या फिर जो भी HDMI पोर्ट से आप कनेक्ट किए रहोगे तभी ये ऑप्शन आपको दिखेगा ऐसा साइड में, और थोड़ी देर बाद ये हट जाए। अभी देख सकते हो लास्ट ब्लूटूथ तक आया है और ऑटोमेटिकली अभी ये हट जाएगा, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये हट गया है। तो बेसिकली ये बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट के लिए है कंपनी का, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो, बार बार ये आपके डिस्प्ले पे नहीं आएगा। बस जब भी आप अपने HDMI पोर्ट्स पे जाओगे तो एक बार ये आ जाएगा, उसके बाद में थोड़ी देर बाद हट जाएगा। तो इस तरह से ये बता देगा क्या क्या है टीवी के अंदर में और फिर ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर आपको इसको बंद करना हो तो आप फिर से जाइए सेटिंग के अंदर में, इसके बाद आप जाइए यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर में, फिर आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए डिवाइस प्रेफरेंसेस में, फिर से आप जाइए टीवी मोड के अंदर में, फिर यहाँ पर आप होम पे क्लिक करिए, बस अब ये नॉर्मल हो गया, अब आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट पे लेकर जाता हूँ अपने सेटअप बॉक्स के, और आप देख सकते हो कि अब वो ऑप्शन मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस यही है बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर में कुछ है नहीं, मुझे लगा कि आपको बता दूं। अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर भी सकते हो। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।